हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए आलू प्याज के पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून आ गया है। शाम में अगर चाय के साथ पकोड़े मिल जाए तो बात ही क्या है। इसलिए मैं आपके लिए झटपट बनने वाले आलू प्याज के पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के पकौड़े खाए होंगे। अगर आप मेरी इस बताई हुई रेसिपी के फॉलो करके पकोड़े बनाएंगे तो आप सारे पकोड़ों का जायका भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन की क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और अच्छे से स्पैचुला या स्पून से मिलाते जाएं। ध्यान रहे, आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आप एकदम पानी डाल दोगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे। जब ये बेसन अच्छे से फैट जाए तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, हल्दी लिया है। इन सब की क्वांटिटी आप घटाइए बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ हाफ स्पून सब चीज़ें ली हैं। और यहाँ मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, उसे कूट लिया है। और 2 प्याज ली है, प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी घटाइए बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पकौड़ों के लिए बेस्ट है, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए हैं। आलू को छीलकर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। फिर आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया, जिससे आलूओं का सारा स्टार्च निकल जाए। फिर आलूओं को अच्छे से निचोड़ देंगे, जिससे आलूओं का सारा पानी निचोड़ जाए। ध्यान रहे, आपको आलू को बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर बेसन में डालते जाएँ। फिर इन्हें हाथों से अच्छे से मिलाते जाएं। आपको बेसन बिल्कुल टाइट घोलना है, पतला नहीं घोलना। फिर जब ये आलू अच्छे से बेसन में मिल जाएं, तो इसके अंदर 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। सोडा डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से और मिला लें। आप इन पकौड़ों को सुबह नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल को पहले से गरम करके रख लिया था। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे। आंच को हमें धीमी ही रखनी है। किस किस को बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े पसंद हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इन पकौड़ों को हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट तक फ्राई करते रहें, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाएं। इन पकौड़ों को तेज आंच पर कभी भी फ्राई ना करें। ये अंदर से कच्चे रहते हैं, ऊपर से डार्क हो जाते हैं, इसलिए आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। पकौड़ों को हमेशा हल्की आंच पर ही फ्राई करने चाहिए। जब ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए, तो आप इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लें। बाकी का जो बैटर बचा हुआ है पकौड़ों का, उनको भी फ्राई कर लें हल्की आंच पर। आपको ये आलू प्याज पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन ऑल पे कर देना, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आप इन पकौड़ों को एंजॉय करिए हरी चटनी और चाय के साथ। जल्द ही मिलते हैं मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।